नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि जो न्यू वैकेंसीज़ किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी 2020 के अंदर, या जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है डिट प्रेजेंट में, जो न्यू वैकेंसी निकलेगी एनटीटी को लेकर स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। और भी बाकी जो कह सकते हैं पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाली है, पीआरटी, टीजीटी एंड कह सकते हैं पीजीटी के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक आपने जो डीट पेजी के बारे में भी अपने एक एग्ज़ाम दिया है जो कि डीओई का था। अब हम बात करें कि जो नई वैकेंसी निकलने वाली है वो सभी होगी एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। जो तो अभी एमसीडी में जो न्यू वैकेंसीज निकलने वाली है उनके बारे में, तो अभी तक आपने देखा होगा 2019 में आपने ऑलमोस्ट एक जो एनटीटी को लेकर जो अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिली है वो तीन जगह देखने को मिली है। पहली राजस्थान में, एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ एक चंडीगढ़ में, और फिर आपको देखने को मिली है डीट प्रेसवे में। तो ये अभी तक 2019 की तीन वैकेंसीज थी एनटीटी की। अब इन्हीं तीनों जो वैकेंसीज निकली है उसके बाद जो मेरे पास जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो जो क्वेरीज मेरे पास आई है, वो मैं इस वीडियो में पूरी कवर करने वाली हूँ। उन सभी के आंसर देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो नेक्स्ट वैकेंसी एंटिटी के लिए निकलने वाली है उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। और अभी तक जो आपने तैयारी की है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी डीट पेसबी का आने वाला है। और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जिनको भी लग रहा है अपने आंसर की देख के कि नहीं होगा, या फिर जो भी लग रहा है मार्क्स आपके जो पासिंग मार्क्स हैं उनसे कम है, तो भी आप अपनी तैयारी जो है बनाए रखें, उसको एकदम जाने नहीं दें, और जो भी आप पढ़ रहे थे अभी तक उसको बनाए रखें क्योंकि वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेने वाली हूँ जो कि अभी तक मुझे आए हैं, तो लाइन वाइज मैं एक एक क्वेश्चन लूँगी, उसके सभी को आंसर देखने को मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। बार बार आपको कहीं भी किसी साइट पर सर्च करने की या फिर ढूंढने की, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनटीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, कि आप सरकारी एंटिटी के शिक्षक बनना चाहते हैं नर्सरी लेवल के, तो आप जो भी चेक कहीं से भी अगर एक साल का कोर्स कर रहे हैं एंटिटी का, तो अभी के अभी बंद कर दीजिए, आधा कराओ, जो भी कराओ, अगर आप गवर्नमेंट बनना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर प्राइवेट अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साल का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ये आप बात ध्यान रख लीजिए। एंटिटी का एक साल का डिप्लोमा कहीं भी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलाने वाला है। अभी तक आपने तीन वैकेंसी देख ली है, तीनों में ही जो है मिनिमम दो साल का डिप्लोमा तो मांगा ही गया था, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। आप जो भी एक एक साल का जो डिप्लोमा लेके आप जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपना समय ख़राब करते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, तो आप ये दिमाग में ज़रूर डाल लीजिए कि आपको एक साल का डिप्लोमा के साथ आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट बात यह है कि आप कहीं से भी भाई कोई भी चलता फिर से कोई भी इंस्टीट्यूट है वो ही बोल रहा है कि एनटीटी करवा रहे हैं, तो आप उनसे जाके एनटीटी का डिप्लोमा कर ले रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। आपको उसके पीछे छानबीन करनी होगी कैसे किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट है, किस से मान्यता मिली हुई है, मतलब कोई भी मान्यता दे रहा है आप जाके वो डिप्लोमा ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीटीई ने अभी तक मान्यता देना जो है बंद कर दिया था काफ़ी पहले से, 2013 के आसपास, लेकिन पहले से जो इंस्टीट्यूट थे वो, तो अगर उनसे अगर आप कर रहे हैं तो अभी तक कोई इश्यू सामने नहीं आया है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक जिनसे भी बात हुई है मेरी, तो वो ध्यान रखें आप, भाई इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज होना चाहिए, उसके पास जो भी पहले के कितने उसके अभी तक बैच उसने करवा दिए हैं जो भी एनटीटी के, या फिर ये ना हो कि वो पहली बार ही अभी इस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं जबकि अभी एनसीटी तो कोई अभी जो है एफिलिएशन देता भी नहीं है, पहले से जो थे वो ज़रूर है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लें। जो भी आपको झूठी अफवाहों में फैला रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद एनटीटी का डिप्लोमा ले रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से अगर आपने डिप्लोमा लिया है, चाहे पैसे दे के लिया हो, खरीदा हो, या फिर कुछ भी अगर गलत तरीके से लिया है, तो उससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। जिन भी लोगों ने मुझे ईमेल पर सेंड किए थे भाई ये चल जाएगा क्या, उसमें कोई भी मतलब कोई लिंक ही नहीं था भाई कहाँ से ये डिप्लोमा है क्या है, मतलब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट से उन्होंने जो है एफिलिएशन ले रखी है जिनका कोई बताया नहीं जा सकता, तो उन चीज़ों से आपको कोई भी एंटिटी की जॉब कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। तो
एक जॉब आने से पहले सबसे पहले आप इन चीज़ों पर ज़रूर क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको जो वैकेंसी निकले तब तो आप एक दूसरे की तरफ भागे नहीं, भाई क्या पूछे क्या करे या फिर किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, कोई भी अगर आप अभी भी चाहते हैं कि हम कोई डिप्लोमा करें, जैसे कि NIOS में 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो उससे मैंने बता दिया है कि 1 साल वाले से कोई आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, 2 साल का मोस्ट भाई ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की, और वो सभी चीज़ें किस तरीके से आप प्रिपेयर करें। भाई जो MCD में पहले भी आपने दिया होगा पेपर, जो 2018 में जो आपके पास ऑफलाइन जो पेपर हुआ था जिसमें OMR के साथ थी, तो उसी टाइप से आपका जो पेपर इस बार भी होने वाला है, तो आप उन सभी पेपर्स को ज़रूर तैयार कर सकते हैं। उनका PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं मेरे पहले से भी, या फिर आप फिर से कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी, जो भी आपकी DOE के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे थे, उसी को आप बनाए रखें, क्योंकि वही आपको बराबर काम आने वाली है। क्योंकि चीज़ें तो अगर साइकोलॉजी की बात करें तो वही है, कुछ चेंज नहीं हुई है। कह सकते हैं पियाजे का नाम नहीं चेंज हुआ है, उसकी थियोरी नहीं चेंज हुई है, वो चीज़ इसमें आने वाली है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि एक आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको इस वाली जो ऑफलाइन एग्जाम जो होगी उसमें देखने को मिले। और इस बार ऐसा भी हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी एग्जाम जो शिफ्ट वगैरह में होती थी, एक दिन नहीं दो दो तीन बार में होती थी, तो हो सकता है एक बार में भी हो, तो ये भी आप हो सकता है। तो आप उसी तरीके से जो भी अभी तक आपकी तैयारी चल रही थी तो उसको बनाए रखें, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी नज़दीक है। अभी तक तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, उसके बाद आपको पता ही होगा। तो उस तरीके से आप ज़रूर ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं रोकें। जो भी अभी तक लोग तैयार कर रखे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई कब वैकेंसीज आने वाली है, तो आप वैकेंसीज का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिए। वैकेंसीज अभी बस अब एक टाइम ही है वैकेंसीज का, तो अपनी जो तैयारी है उसको आप ज़रूर जारी रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि तैयारी की, तो तैयारी के लिए आप काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं तो आपको ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो भी सेशन होंगे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी तक पेपर हुआ है, अभी जो NTT का डेट प्रेस पे NTT का, तो उसके जो दो पेपर जो हुए थे, एक तो नून शिफ्ट में, एक हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो आप दोनों ही शिफ्ट के पेपर आपको, एक तो अगर आपने दिया होगा तो खुद के पास होगा ही, अगर आपने नहीं भी दिया है पहली बार अगर आप देंगे तो आपको जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर लोगों ने शेयर भी किया था, या फिर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे पास दोनों ही पेपर अवेलेबल है, तो आप उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन बनाए रखने के लिए, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट और सभी का जो कह सकते हैं जिस तरीके से पैटर्न जो है वो वही रहेगा, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो उस बोर्ड में थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वही बात है कि मैथ्स तो उसमें भी आनी है और रीजनिंग उसमें भी आनी है, और जो कि अभी तक आई है तो वो साथ में है ही। और इम्पॉर्टेंट बुक्स की मैं बात करूँ, तो अभी तक आप अपने लेवल पे जो भी आपके पास अभी तक बुक्स अवेलेबल थी तो उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी भी कोई भी नई बुक जो है रिलीज नहीं हुई है, तो आप पुरानी कोई भी ऐसी बुक जो ना खरीदे, तो ये चीज़ है। और अभी तक आप जितना भी कर सकते हैं अपनी NCERT बुक्स है, जो भी आपके पास बुक्स है रेफरेंस की, कोई अदर मैथ्स के लिए कोई स्पेशल सिलेबस तो कह नहीं सकते कि होता है, या फिर NTT के नाम से कोई बुक बना देंगे मैथ्स की, तो उसमें से आएगा। वे मैथ्स तो सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो आप कहीं से भी प्रिपेयर करें तो बस अभी अपना जो बेस है वो आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और NTT में कोई कह सकते हैं, अगर आप इजीली अगर DOE में, तो अगर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और डिट प्रेस में जो भी एग्जाम होती है उसमें मेन चीज़ ये होगी आप दोनों में पार्ट में तो इक्वली पास तो हो ही रहे हो, तो आपको मेन आपको सबसे पहले उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं मिनिमम दोनों में पास तो हूँ। उसके बाद आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बनाइए, फिर आप थोड़े कट ऑफ के लेवल के आ पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको डिट प्रेस भी की एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जाननी ज़रूरी थी। तो ये मैंने नई वैकेंसी के बारे में शेयर किया है। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो वो आप ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है और कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिले।
तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं, jasneha30@gmail.com। सो अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इट इज़ नया एडुकेटर नाम से आप सर्च कर सकते हैं तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर काफ़ी सारे एंटिटी से जुड़े हुए कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू।